पर्यटन का क्षेत्र बहुआयामी है। इससे किसी भी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, लोक कलाओं का प्रचार प्रसार होता है। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व वाली सरकार ने पर्यटन को विरासत और आस्था से जोड़ने की अनूठी शुरुआत की। इन्वेस्टर समिट के शुरू होने से ऐन पहले ही सरकार ने नई पर्यटन नीति 2018 जारी करके जता दिया कि पर्यटन का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी गई, तो वहीं निवेश के लिए लैंड यूज बदलाव और विकास में भी 100% की छूट दी गई। इस प्रोत्साहित योजना का ही नतीजा था कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही 2 दर्जन से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आ गए। समिट के दौरान सरकार ने निवेशकों को बताया कि उत्तर प्रदेश को मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में पर्यटन की भी भारी संभावनाएं हैं। हमारे पास पर्यटन, हम एक नई पर्यटन नीति के साथ भी टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो या हेरिटेज टूरिज्म हो, इन सब को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक योजना के साथ हम लोग इस अवसर पर आए हैं। इन्वेस्टर समिट से एक दिन पहले ही एनएक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय पर्यटन सचिव रश्मि वर्मा के साथ बैठक की। योगी सरकार ने पर्यटन को विकसित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान जाहिर किया कि प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी के साथ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में से एक इंको यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ IUIH ने 1,000 करोड़ रुपए के निवेश का राज्य सरकार के साथ करार किया है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड मेडिसिटी विकसित की जाएगी, जहां किफायती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। जीनोमिक्स एंड स्टेम सेल्स, ट्रांसलेशनल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय मेडिकल रिसर्च की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता का एहसास इसी से दिख जाता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ ही जमीनी स्तर पर भी बदलाव का खाका तैयार किया जा रहा है। सभी स्थलों के विकास का या फिर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के विकास का, उत्तर प्रदेश देश और दुनिया का टूरिज्म का एक हब बने। पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित टूरिस्ट हेल्पलाइन 1364 की क्षमता को सुधारा जा रहा है। इन्वेस्टर समिट को कुशलता से आयोजित करके योगी सरकार ने निवेशकों में भरोसा कायम कर दिया है कि पर्यटन के क्षेत्र में अति संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश को सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश का सपना अब साकार होने जा रहा है।